हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि आप घर पर ही ग्रीन कलर करेक्टर कैसे बना सकते हो। जी हाँ, मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि DIY ग्रीन कलर करेक्टर आप घर पर कैसे आसान तरीके से बना सकते हो। काफी बार ऐसा हो जाता है कि जब भी हमें कहीं बाहर जाना हो, पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो ना, तो ग्रीन कलर करेक्टर अक्सर खत्म हो जाता है। तो ऐसे में आप घर पर ही ग्रीन कलर करेक्टर कैसे बना सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, वो भी सिर्फ दो चीजों की हेल्प से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर 600 प्लस वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, हिना हेयर केयर पैक और इंस्पायर्ड लुक्स और मेकअप ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यू और भी हेल्पफुल टिप्स आप इसमें देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो प्लीज वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कैसे आप घर पर ही आसान तरीके से ग्रीन कलर करेक्टर बना सकते हो। ग्रीन कलर करेक्टर दोस्तों आपके जो भी रेड स्पॉट होते हैं, ब्लेमिशेस होती हैं आपके चेहरे पर, उन्हें हाइड करने में हेल्प करता है। अक्सर हम कहीं बाहर जाने वाले होते हैं तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि चीजें खत्म हो जाती हैं, तो इमीडिएट आप ये कलर करेक्टर घर पर भी बना सकते हो। कलर करेक्टर भी बोल सकते हो, कंसीलर भी बोल सकते हो। तो चलिए मैं बनाती हूँ इसे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन आई शेडो ले लेना है आपने। कोई सा भी ग्रीन आई शेडो ले लीजिए, वो इस कलर में होना चाहिए और आप ले लीजिए। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा कंसीलर मिक्स करना है। चलिए मैं दिखाती हूँ। और हाँ दोस्तों, आपने मैट आई शेडो लेना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, आपने मैट ग्रीन आई शेडो लेना है। शिमर आई शेडो या ग्लिटर्स वाले आई शेडो आपने नहीं लेने हैं। तो चलिए मैं इसकी हेल्प से आपको कलर करेक्टर बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये ग्रीन कलर का आई शेडो और ये मैट आई शेडो है, तो इसे मैं इसकी हेल्प से थोड़ा सा ले लूंगी। आपको जितना बनाना है आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए। इस लिड में मैं यहां पर आपको बना के दिखा रही हूं। तो ये देखिए, और इसमें मैं लूंगी एक कंसीलर। आपने लिक्विड कंसीलर ले लीजिए, कोई भी कंसीलर जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। बस एक से दो ड्रॉप आप इसमें ऐड कर लीजिए, आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर करेक्टर आपका तैयार है। चलिए मैं इसे आपको अप्लाई भी कर दिखाती हूँ और इसकी हेल्प से आप अपने रेड स्पॉट या ब्राउन स्पॉट को भी हाइड कर सकते हो। ये देखिए, ये बन गया है। इसमें अगर आपको कंसीलर कम लगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली ज्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का ग्रीन कलर आई शेडो है तो आप ये वाला भी ले सकते हो, और अदरवाइज आप ये वाला ग्रीन कलर का आई शेडो भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास इस कलर में आई शेडो है तो आपने इस कलर में ले लेना है, लेकिन ध्यान रहे आपने शिमर आई शेडो या ग्लिटर आई शेडो नहीं लेना है, आपने सिर्फ मैट आई शेडो ही लेना है इस कलर करेक्टर को तैयार करने में। तो ये देखिए, मेरा ये कलर करेक्टर तैयार है, तो मैं इसे लगाकर दिखाती हूँ आपको। यहाँ जैसे कि हल्के फुल्के स्पॉट है, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेना है आपने। जैसे कि एक मुझे यहां भी है, इसे आप हाथों की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, ये देखो। और इसके बाद आप अपना जो भी फाउंडेशन वगैरह लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है, ये देखो। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, आप इमीडिएट कलर करेक्टर घर पर बना सकते हो। इसे आप एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगे तो प्लीज दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, MX घटक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।